हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। बच्चों को तो बैंगन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, इसलिए इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऐसे मिलाएंगे जिससे बच्चे इन्हें इसे खुशी खुशी खा सकें। इसके लिए मैंने लिया है टमाटर, 2 टमाटर लिए हैं कटे हुए, 4-5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कुटी हुई लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक और 4 बड़े प्याज। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। ये मैंने लिया है एक बड़ा बैंगन। इसको खरीदते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें कोई छेद ना हो, छेद होने से इसके अंदर कीड़े रहने की संभावना रहती है। इसको बनाने के लिए हम इसको गैस पे भून लेंगे। बैंगन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है यदि उसमें आप लहसुन मिला दें, क्योंकि पुराने लोग भी कह के गए हैं कि बैंगन मतलब बेगुन, जिसमें कोई गुण ही नहीं होता है, लेकिन अगर उसमें लहसुन डाल दिया जाए तो उसमें सारे गुण आ जाते हैं। बैंगन एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको खाना सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना जाता है। देखिए, इसको गैस पर मैंने भून लिया है। अब इसको जो इसकी स्किन है बाहर की, इसको एक चाकू की सहायता से आप अलग कर लीजिए। और इसको अलग करने के लिए गरम गरम में ही करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी स्किन जो है चिपक जाती है, मतलब बड़ी परेशानी करता है ये अलग होने में, तो इसलिए इसको गरम गरम ही चाकू की हेल्प से आप निकाल के रख लीजिए। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीका है इसको अलग करने का। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ये काली जो है, काला काला स्किन जो है इसका, ये इसके अंदर बिल्कुल भी ना जाने पाए। तो इसको मैंने निकाल के ये अलग कर दिया है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। तेल गरम हुआ है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आप अगर कढ़ाई के ऊपर अपना हाथ ले जाएं थोड़ा दूरी से, तो आपको हीट आती हुई महसूस हो जाएगी, तो समझ जाइए तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी प्याज। प्याज मैंने लंबे काटे हैं, आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं। प्याज को अच्छे से भून लीजिए, ये गोल्डन ब्राउन प्याज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, वो भी कुटी हुई, आप चाहें तो बारीक काट कर डाल सकते हैं। आप चाहें तो पहले तेल में लहसुन भी भून सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मुझे क्योंकि लहसुन की खुशबू देर तक आए, इसलिए मैं उसको प्याज भूनने के बाद ही डालती हूँ, लेकिन आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अब इसको भी मैंने अच्छे से तेल में अच्छे से सौते कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। आप इसको पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कटी हुई अदरक जब खाते समय मुंह में आती है तो उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैंने ये किया है। वैसे भी मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, जो आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए, क्योंकि मैं अगर अपनी बोलूं तो मेरा तो पॉलिसी है सुनो सबकी करो अपने मन की, इसलिए आपको जैसा ठीक लगता है आप उस तरह से बनाइए, बस तरीका देख लीजिए। अब मैंने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, आप चाहे तो उसका पेस्ट बना के डाल सकते हैं, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ये भरता बनाने के लिए बैंगन को, ये जो मैंने भून लिया है इसका, डालने से पहले मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब डाल दिए मैंने ये बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर भी आप अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा टमाटर की शौकीन हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा टमाटर यूज़ करती हूँ। वैसे टमाटर खाने से एक फ़ायदा रहता है कि आपका वेट नहीं बढ़ता है ज़्यादा, मैं इसलिए टमाटर डालती हूँ। आप चाहें तो डालें, चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार आपने नमक डालना है, अपने ही स्वाद के अनुसार आपने इसमें मिर्च डालनी है, 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
आप चाहें तो गरम मसाला डालें, चाहें तो नहीं भी डाल सकते। फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप इसमें थोड़ा सा बिल्कुल एक या दो चम्मच पानी मिला के और फिर इसको अगर मिक्स करेंगे तो मसाला बहुत अच्छे से आपस में मिक्स होके और पक जाता है। अब देखिए इस ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है, तेल देखिए आपको दिख रहा है अलग हो गया है, इसका मतलब है कि मसाला पक गया है। तो ये राइट टाइम है कि जब आप जो हमने बैंगन भून के रखा है उसको हम इसमें ऐड कर दें। ये हो गया, इसके बाद इसको अच्छी तरीके से हमें कड़छी से चला लेना है, आपस में मसाले को और बैंगन को अच्छे से मिक्स करना है। ये बैंगन लगभग हाफ तो कुक हो ही जाता है जब आप इसको गैस पे इतनी देर तक भूनते हैं, उसके बाद बाकी का बचा हुआ थोड़ा बहुत वो मसाले में पक जाता है। और इस बैंगन के भूनने से जो खुशबू आती है उससे इस भरते का अलग ही स्वाद निकल के आता है। आप चाहें तो बैंगन को उबाल भी सकते हैं, उबाल के और फिर उसका छिलका अलग करके और यही सेम प्रोसेस फॉलो करके उस तरीके से भी आप बैंगन का भरता बना सकते हैं। लेकिन उबले हुए बैंगन में और इस तरह से गैस पे भून के जो बैंगन बनता है उसकी खुशबू में और स्वाद में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अब देखिए बच्चे खाते नहीं हैं जल्दी से बैंगन को, तो बच्चे इसको बड़े मज़े से खाएं इसके लिए मैंने इसमें थोड़ी सी मटर मिला दी है और मटर के दाने तो देख के भी बच्चे थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं बैंगन का भरता। इसकी जो खुशबू आ रही है उससे तो पड़ोसी भी खींचे चले आए। आप देखिए आप इसको ढक दीजिए, थोड़ी देर तक ढक के इसको रखेंगे, गैस की आंच को हम कम कर लेंगे। आप देखिए ये भरता पका है कि नहीं इसको चेक करने का सिंपल तरीका है, जब आपका ये कढ़ाई छोड़ दे तो समझ जाइए कि भरता रेडी हो चुका है। देखिए इसने कढ़ाई से चिपकना बंद कर दिया है और ये इकसार हो गया है, एक बॉल की तरह हो गया आपस में गोल। ये देखिए कड़छी से मैं एक बार चला रही हूँ तो सारा एक साथ घूम रहा है। ये देखिए आपका लाजवाब भरता तैयार हो गया है। इसको आप पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी तरह से पूरी के साथ बहुत ही चाव से खा सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार शानदार लाजवाब भरता बन के रेडी हो गया है। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये, आप किसी मेहमान के सामने भी इस तरह से प्लेटिंग करेंगे तो वो आपकी खाने की बनाने की कला पर फिदा हो जाएंगे।